मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क हादसा हो गया, जहां परतवाड़ा मार्ग पर झल्लार गांव के पास बस और कार की टक्कर होने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में एक शख्स घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक झल्लार के पास खाली जा रही बस और कार की टक्कर हो गई। कार में सवार सभी लोग मजदूर हैं, जो महाराष्ट्र से अपने गाँव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान झल्लार इलाके के पास कार ड्राइवर को नींद की झपकी लग गई और कार खाली बस से जा टकराई। देर रात को एक खाली बस जो है वो रोड से जा रही थी और तभी कलमता गांव है अमरावती से, वहां कुछ मजदूर जो है झल्लार क्षेत्र के मजदूरी के लिए गए हुए थे, जो 20 दिन से गए हुए थे। कल रात में वो तकरीबन 9 बजे वहां से निकले हैं और ये एक्सीडेंट हुआ है 2:15 के करीब। और टवेरा गाड़ी जो है, ड्राइवर को अचानक जो है थोड़ी नींद सी आ गई। ड्राइवर हमारे पास है, उसके जो कथन हुए हैं उसके अनुरूप उसको थोड़ी नींद आ गई, वो बस में जाके एकदम। घटना की सूचना मिलने पर बैतूल कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं बैतूल कलेक्टर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हादसे में मृतकों के परिजनों को नियम अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। जो टवेरा और बस का एक्सीडेंट आज कल रात में हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने मौका मकरा है और देखा है क्या स्थिति है। इसमें 11 लोग कुल टवेरा में जो ट्रेवल कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अभी डीएमओ को और डॉक्टर्स को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल पीएम की कार्रवाई करके और जो मृतक हैं उनको हम लोग उनके जो मूल गाँव है वहाँ पर तत्काल पहुँचाएँ। अंत्येष्टि राशि के लिए, अनुग्रह राशि के लिए तत्काल हमने कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है और ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर भी जो मुआवजा राशि मिलती है वो भी परिवार को तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए। वहीं हादसे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बैतूल जिले के झल्लार में भीषण सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैतूल हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के बैतूल में हुए हादसे में लोगों की मौत से आहत हूं। शोक में डूबे परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाएंगे, जबकि घायलों को भी 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है।